अभी जो है पूरा सक्रियता से प्रयास किया है और ये बहुत ही काबिले तारीफ है। ये बहुत ही जो है हम सभी संघर्ष में जो जुटे हुए हैं हम सबके लिए एक बहुत अच्छी मिसाल भी बनकर आप लड़ रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको पूरा बधाई देना चाहते हैं और आपके संघर्ष के समर्थन में जो है पूरा अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। जो दो मुख्य मुद्दे लेकर के आप संघर्ष कर रहे हैं, एक जो टीचरों की नियुक्ति में आरक्षण का सवाल, दूसरा जो कॉलेजेस की ऑटोनॉमी और शिक्षा की प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा, तो इन दोनों पे मैं संक्षेप में अपनी बातें रखना चाहूंगी। जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के उदाहरण से और आपके संघर्ष से निकली हुई बातों से पूरा इसका जो है ये साबित होता है। पहली बात यह है कि जो आरक्षण की नीति जब लागू किया गया तो उसका उद्देश्य यह था कि इस अपने हिंदुस्तान के समाज में जो तबके ऐतिहासिक तौर पर नाइंसाफी के शिकार बने रहे हैं इतने सालों सालों तक, परंपरागत रूप से जो नाइंसाफी के शिकार बने रहे हैं जो SC ST और अन्य पिछड़े कैटेगरी के लोग, तो उनको शिक्षा और रोजगार में समान स्तर पर लाया जाए, शिक्षा और रोजगार का समान अधिकार प्राप्त हो। इसमें हम देख सकते हैं कि 70 वर्ष बाद आजादी के आज भी हम इस बात पर संघर्ष कर रहे हैं, आज भी हमें सड़कों पर निकलकर इसी बात की मांग करनी पड़ रही है कि वह तबका जिसके कल्याण के लिए ये नीति बनाई गई थी, जिसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए बनाई गई थी, आज भी उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने से तो बहुत दूर है। इसमें अगर कुछ हासिल हुआ है तो एक चीज जरूर हासिल हुआ है कि जो हमारे नौजवान शिक्षा के लिए आगे आते हैं, शिक्षा की आकांक्षा रखते हैं, जो हमारे नौजवान रोजगार की आकांक्षा रखते हैं, उनके सपनों पर पानी डाल दिया गया है, उनके बीच की एकता को तोड़ा गया है इस आधार पर कि किस कैटेगरी का कहां पे नियुक्ति होगा या नहीं होगा, आपस में शक करने का, आपस में लड़ने का यही जो है इरादा रहा है जिस तरह इस पूरी नीति को लागू किया गया है। अगर हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये रहा है कि इस दिशा में चलना चाहिए कि ये असमानता को दूर करना है, तो वो दूर होने से बहुत दूर है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम अभी भी लड़ रहे हैं कि हमारे समाज की जो बहुसंख्या है, जो पिछड़े वर्ग है, जो ऐतिहासिक अत्याचार के शिकार बने हुए हैं, जो पीछे रखे गए हैं, उनको शिक्षा में समान मौका मिले, उनको रोजगार में समान मौका मिले। आज भी हम इसी संघर्ष में हैं और इस संघर्ष में हमें आगे रहना होगा, क्योंकि हम जो इस देश के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, बेशक हमें किसी भी हालत से गुजर के हम यहाँ पहुँचे हैं, तो हमें ये संघर्ष आगे लेके जाना होगा, क्योंकि इसका पूरा राजनीतिकरण करके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इस तबके से, इस कास्ट से, उस कास्ट से इसको अपना वोट बैंक बना के रखे हैं, परंतु तो नौजवानों का कोई भला नहीं हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है जो शिक्षा पाना चाहते हैं, जो रोजगार पाना चाहते हैं, यही हम देखते हैं। और इस लड़ाई को असूल के तौर पर जिस तरह टूटा ने उठाया है, ये हम सब के लिए एक उदाहरण है, हम सबको इसे आगे ले जाना होगा ताकि समाज की बहुसंख्या जो है, जो सपने लेकर आगे आए हैं बच्चे हमारे, कि उनको रोजगार मिले, उनको नौकरी का, उनको शिक्षा का समान अधिकार मिले, समान अपॉर्चुनिटी मिले, वो सपना फिर से एक और पीढ़ी के लिए जो है पानी में बहना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक शिक्षा का निजीकरण का सवाल है, इसके ऊपर भी बड़े असूलन तरीके से डूटा ने स्टैंड लिया है और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जब ब्रिटिश राज करते थे ना हमारे देश के ऊपर, तो वो एक कॉलोनियल राज था, एक उपनिवेशवादी राज था, जिसका इरादा था कि ये गुलाम बनाए गए देश के गुलाम लोगों पर राज करो और इनको दबा के रखो, फिर अपने राज को चलाने के लिए थोड़े बहुत लोगों को चुन चुन कर जो है शिक्षा दिया करते थे,
ताकि वो अंग्रेजी सीखे और अपना जो ब्रिटिश का गुलाम बन करके इनका राज चला सके। अगर हम देखें कि 70 बरस आजादी के बाद जो हमारे हुक्मरान हैं, जो रूलिंग क्लास है, जो रूलिंग एलीट है, जिनकी जवाबदेही इस देश के मजदूर किसान नौजवान महिला छात्रों और आम लोगों की तरफ नहीं बल्कि टाटा बिरला की तरफ रही है और आज भी है, और नए नए और उनमें जुड़ रहे हैं जो बड़े बड़े इशारेदार कैपिटलिस्ट हैं, उनकी तरह इनकी जवाबदेही है नॉर्थ देश की आम जनता के प्रति। तो आज भी हम देख रहे हैं कि शिक्षा को वो एलीट चीज बनाकर रखना चाहते हैं, और इस देश की बहुसंख्या नौजवान जो ये सपना लेकर आए हैं कि अब जो है हमें भी मौका मिलेगा बराबर का शिक्षा लेने के लिए, रोजगार लेने के लिए, उनके लिए यह रास्ता बंद किया जा रहा है। आज शिक्षा को एक ऐसी चीज बनाकर रखा जा रहा है जो अगर आपके पास पैसा है तो आप खरीद सकते हो, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है। और फिर अगर आप समाज के उन तबकों में से हो जो दबे कुचले रहे हैं तो आपको चांस ही नहीं है। रोजगार हो, शिक्षा हो, आपको इधर एंट्री का चांस ही नहीं है। इसमें मुख्य बात यह भी समझनी है कि एजुकेशन शिक्षा जो है एक ऐसी चीज है जो इंसान का दिमाग को खोलता है, इंसान को उस पोजीशन में लाता है कि वो हर चीज पे समझे, सवाल करे और बदलने का कदम ले। और वो जो है एम्पावरमेंट जो आती है शिक्षा के साथ कि आप हर चीज पे सवाल करो और उसको बदलने के लिए कदम लो, सबको अपनी हालत समझाओ और इकट्ठा करो उसको बदलने के लिए, तो वो एम्पावरमेंट, वो सशक्तिकरण लोगों को देना नहीं चाहते। जिस तरह ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोग सशक्त हों बल्कि हिंदुस्तान के लोग गुलाम रहें और कुछ एक इनके गिने चुने दलाल जो है उन्हीं को शिक्षा मिले, तो आज भी ऐसे ही चाहते हैं हमारे हुक्मरान कि बहुसंख्या को शिक्षा ना मिले, नौजवानों के शिक्षा का जो ख्वाहिश है वो सपना बनकर ही रह जाए, नौजवानों की जो रोजगार की ख्वाहिश है वो भी सपना बनकर ही रह जाए एक और पीढ़ी के लिए। आप झूठे वादे करते रहो, झूठे सपने दिखाते रहो और वो सपना ही बनकर रह जाए। इसको बदलने के लिए ये जो पूरे ऑटोनॉमी के नाम से निजीकरण का रास्ता खोल दिया जा रहा है, जहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अच्छे मीन्स कॉलेज को अच्छा बनाने वाला जो है वो नहीं है, जो ऊपर बैठे आपके जो डीसी और सरकार में और ये लोग जो बैठे हैं, कॉलेज का अगर अच्छा नाम है तो उसके टीचरों की बदौलत उसका नाम है, उसके छात्रों की बदौलत उसका नाम है, वो जो मेहनत करके उस इंस्टीट्यूशन को बनाते हैं उसकी बदौलत उसका नाम है। उस नाम के ऊपर, उस नाम को जैसे एक पूंजी बनाकर आप उसको प्राइवेटाइजेशन के लिए दे रहे हो, जो सेंट स्टीफन्स कॉलेज मान लीजिए जिसको प्राइवेटाइजेशन के लिए रखा गया था, तो वो जो उस कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों की मेहनत से उसका नाम है, किसी और की बदौलत नहीं, और इसी प्रकार अन्य इंस्टीट्यूशंस का, उसको जो है आप प्राइवेट प्रॉफिट के लिए एक इंस्टीट्यूशन ऐसा ऑटोनोमस बना देना चाहते हैं जहाँ उसको अपनी रिसोर्सेज जनरेट करनी होंगी, और इसके लिए लाजमी है कि बच्चों से, छात्रों से, पेरेंट्स से ज़्यादा फीस ली जाएगी, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के कोर्सेज वगैरह खोले जाएंगे और वो पूरा शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन का दौर खुलेगा। जिस तरह पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिनको जनता की मेहनत से और पैसे से इतना शानदार बनाया गया था एक समय में, और उसको जो है आप घाटे में ला करके बेच देते हैं कौड़ियों के मोल पे, इसी तरह से शिक्षा को भी आप बेच देना चाहते हैं, आप शैक्षणिक संस्थानों को भी जिनको टीचर्स और स्टूडेंट्स की मेहनत से इतना नाम मिला है उसको आप ओपन कर देते हैं प्राइवेट मार्केट के लिए। तो इसके खिलाफ भी जो है इसका भी इरादा है कि शिक्षा को और एलीट ग्रुप के लिए और विशेष अधिकार वाले ग्रुप के लिए एक प्राइवेट चीज बना देना, ना कि बहुसंख्या के लिए शिक्षा के चांसेस को बढ़ाना। आती है हर सरकार यह वादा करके कि और इंक्लूसिव समाज बनाएंगे, अपना मोदी जी भी कहते हैं सबके साथ सबका विकास, पर समाज जो है हम देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव होता जा रहा है,
हमारे नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, अन्य तत्वों के लिए जो परंपरागत रूप से जो है दबे कुचले रहे हैं, बाहर रहे हैं, समाज के हाशिए में रहे हैं। राजनीतिक सत्ता से भी उनको बाहर रखा जाता है और शिक्षा ना देना, रोजगार ना देना एक तरीका है कि इनको और डिसएम्पावर करके रखो ताकि वो कहीं भी जो है समाज में ना पहुंच सके। तो इसके ऊपर जो है बुनियादी तौर पे पूरे असूलन रूप से टूटा ने जो संघर्ष चलाया है और आज बड़ी हिम्मत के साथ चलाते जा रहे हैं। फिर से मैं अपने संगठन कम्युनिस्ट गदर पार्टी की ओर से आपके संघर्ष को पूरा पूरा समर्थन बताते हुए यह नारा लगाना चाहती हूँ, टूटा और संघर्ष में आगे बढ़ो, टूटा संघर्ष में आगे बढ़ो।